जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 जनवरी का सीटेट पेपर बंद छूट चुका है और क्वेश्चन आज के यदि पूछा जाए तो संस्कृत और ईवीएस में कुछ चेंजमेंट आ रहे हैं जो कि हर शिफ्ट में देखने पूछ रहे हैं। यदि पेपर ओवरऑल पूछा जाए तो बहुत ही संस्कृत टफ लेंगे। भाषा टफ थी या पैसेज टफ था? अच्छा, कुछ निपु शिक्षा वगैरह से क्वेश्चन वगैरह था। ईवीएस में क्वेश्चन नए क्वेश्चन थे, ईवीएस में और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं था। निपुण शिक्षा से वगैरह क्वेश्चन था, क्वेश्चन था किस तरीके के क्वेश्चन पूछे वगैरह? सर नॉर्मली था। मैं 2025 तक कहाँ तक पहुँचा में तो किस अभियान के अंतर्गत? किस अभियान के अंतर्गत और पेडोगॉजी कैसे क्वेश्चन वगैरह? सीडीपी कुछ ज्यादा। एनसीएफ 2005 से कितने क्वेश्चन वगैरह थे? एनईपी से था। जेंडर से, बुद्धि से? जेंडर से नहीं था। आपने जो बताया था वही, मतलब कुछ देखने को मिला, कुछ क्वेश्चन का जो ऑर्डर था वो थोड़ा अलग था। सीटेड ओवरऑल कैसे तैयारी करें आप ये बताइए। मतलब सीटेड जैसे अगर बात करें, आपके जो नोट्स हैं, जो हॉस्टल के नोट्स हैं जिसमें आपका पूरा पोटेंशियल लगा है, मेहनत लगा है, मतलब वो आपसे पढ़े और थोड़ा गाइडलाइन आपका मिले तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। द्वारा साल 110-115 था। कैसा हुआ भैया पेपर आपका? बहुत सही हुआ था। क्वेश्चंस वगैरह कुछ याद है? सिंपल क्वेश्चंस वगैरह थे। आगे के पेपर में आपने दिया था प्रीवियस ईयर से पढ़ा था या नोट्स से वगैरह पढ़ा, कैसे? किसके नोट्स से तैयारी? अरे कैसे, मैम का नाम नहीं है। कैसा क्या पेपर बैठा? पेपर जो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर था मॉडल लेवल का था, बहुत ज़्यादा हार्ड में नहीं कह सकते उसको, और चूंकि हार्ड बनाएंगे क्योंकि ये जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो इसको हार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हार्ड क्वेश्चन अगर सेट करेंगे तो उनको भी तो परेशानी होगी हार्ड क्वेश्चन बनाने में, चूँकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो उसको हार्ड करेंगे नहीं। जो एग्जाम है वो मतलब नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल का ही रहेगा ऑल पेपर। अगर उनको अगर क्वेश्चन हार्ड भी करेंगे तो उनको फिर नॉर्मलाइज़ बताइए। सीडीपी हार्ड और लेवल से मतलब पेपर का पैटर्न कैसा? सीडीपी कैसी आई? सीडीपी तो मुझे नॉर्मल थी, और जो है मुझे चूंकि संस्कृत लैंग्वेज क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है? ईवीएस में कोई क्वेश्चन नया आया जैसे मधुमक्खी से है, और कोई क्वेश्चन सीआरटी से है, या दिवस वगैरह कुछ पूछा गया हो? आवाज नहीं, मैथ से क्वेश्चन वगैरह कोई घर ही का क्वेश्चन पूछा गया? लगभग चार क्वेश्चन थे उसमें। जो है एक था मदर लैंग्वेज, ये जेंडर से क्वेश्चन था, जेंडर से भी दो तीन क्वेश्चन थे। देखता हूँ सबका कंटेंट तो ये सारी चीज़ पेपर टू में सारी। पेपर टू ऐसा आ ही रहा है कि देखिए पहला पेपर हुआ तो सब नॉर्मल कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट देखिए यदि इतना अच्छा रहता रिजल्ट, फिर भी इतना एफर्ट किया जाता है, रिजल्ट 5-7 या 10% ओवरऑल रहता पिछली बार। इस बार जब 2 साल बाद 18% है तो क्या कमी रहती बच्चों के अंदर? मुझे ये लगता है मॉक रहता, पढ़ते नहीं, ये सारी चीजें अध्यापक बनेंगे हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन भाषा विकास से नहीं रहा, वो बायोलॉजी से ही था। नहीं, जेडपीडी था ऑप्शन में, एक में जेडपीडी सही भी था, जेडपीडी ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छे थे। ये बताओ जो मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्शन से भी कोई क्वेश्चन से नहीं था, इधर आइए इधर आइए, जीके के भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे कमांड
सिलेबस है, सिलेबस सबसे ज्यादा मैथ का जो न्यूमेरिकल लेवल होता है ना वो बहुत ईजी है, और कंटेंट जो पैथोलॉजी होती है वो तो थोड़ी बहुत तो समझने के लिए होती है, पैथोलॉजी इतना समझ लोगे उतना अच्छा सॉल्व। ये बताइए आज हिंदी आपकी कैसी आ रही थी? हिंदी प्रश्न उत्तर वगैरह क्वेश्चन प्रत्यय से अलंकार से क्वेश्चन कैसा आया? पैसे पैसे हिंदी का बहुत अच्छा था लेकिन संस्कृत का कुछ समझ नहीं, संस्कृत का कुछ नहीं समझ, संस्कृत संस्करण नहीं नैया नहीं डुबाती है, ऐसा नहीं है। संस्कृत में क्या था कि अगर आप लिख के पढ़ रहे हैं कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि पूरा नहीं सुन रहा, शुरुआत के दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तो तब आ ही जाते हैं, बट ऐसा नहीं संस्कृत इतनी खराब। संस्कृत के लिए जैसे आगे के सेप्टेंस जिनका एग्जाम लगा वो क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें या मॉक तो मॉक क्या जो आता है उसको लिख लीजिए, अभी टाइम भी रहता है। ईवीएस और संस्कृत थोड़ा पैटर्न बदल गया, ईवीएस पिछले एनईपी पढ़ना पड़ता है ज्यादा, एनईपी ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। कोलबर्ग वगैरह क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन बायस्की वगैरह उससे भी थे, बायस्की से भी क्वेश्चन। और कोई नया क्वेश्चन पूछता है? नया क्वेश्चन यही था कि जीके बढ़ा दी गई ईवीएस में जो पूछा गया था कोयला एससीईआरटी गोद एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हां एनसीईआरटी बेस पे ही आता है, लद्दाख वाला क्वेश्चन था, लद्दाख वाला क्वेश्चन था, और जाति और वीडियो वगैरह जाति वाली आवाज वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर था उसी में से क्वेश्चन सभी आए, थोड़े क्वेश्चन सिर्फ पैथोलॉजी का थोड़ा मॉडल लेवल तो सर चेंज होगा ही होगा, नहीं तो काम चलिए हां तो पक्षी अच्छे के बारे में क्वेश्चन नंबर यार ईवी या सीडी आया था कौन सा? वो जो पेड़ में रहता है, पेड़ में रहता है और उसी के कीड़े खाता है, उसी के कीड़े खाता है। और कोई क्वेश्चन वगैरह और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है? संस्कृत या इंग्लिश आपकी पैडोलॉजी? संस्कृत कैसी पैडोलॉजी है? अच्छी क्वेश्चन वगैरह। मैथ कैसी लगी? मैथ ठीक थी। ठीक कैसे क्वेश्चन वगैरह आए थे? क्वेश्चन ठीक थे, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन था, ट्रायंगल से समकोण त्रिभुज से वगैरह क्वेश्चन था, वर्ग आयत का आया था कि समांतर चतुर्भुज में और उसमें रेखाएं पूछा था कि किसकी समांतर होती, समांतर होगी। और कोई क्वेश्चन था कुछ? नहीं यार नहीं यार, क्या लिखा है बहुत लंबा है, बड़ा ही दे रहे थे। और ईबीएस भी सही थी, सीडीपी तो बहुत ही सरल थी, सीडीपी मैं उससे सही होते हैं। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे? मैं सीडी प्रीवियस ईयर था, नहीं ईयर अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सरल, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ना कुछ है कुछ बता याद है क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन बहुत अच्छा था, सीडीपी चैप्टर्स वगैरह जैसे सवाल इसमें चार पांच नंबर का थोड़ा मॉडल दिया था। वो दिवस वगैरह कोई क्वेश्चन पूछा गया? दिवस से नहीं था, दिवस से कोई क्वेश्चन है? पक्षी वगैरह भोजन से आवाज से नहीं, क्वेश्चन कंठोड़ा से पूछा गया था और एक मधुबनी से पूछा गया था। मैप वाला क्वेश्चन आता था जो मैप वाला नेम डायरेक्शन का कोई डायरेक्शन कोई क्वेश्चन वगैरह था। एनईपी से क्वेश्चन कितने? एनईपी से कई चार क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से दो क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट हो कर रहा है, कितना स्कोर कर रहे हैं आप? स्कोर तो अभी तो कुछ बता नहीं सकते लेकिन 100, 105, 110 मतलब पेपर अच्छा गया, बस संस्कृत बहुत मॉडरेट, संस्कृत आपका नहीं सर बढ़िया पेपर था, सभी पोर्शन बढ़िया थे और उसमें से थोड़ा सा एडवांस था, जैसे मान लीजिए एनसीएफ वगैरह तो पूछेगा लेकिन बढ़िया पेपर था। संस्कृत भी कोई बहुत लेंदी नहीं थी, जिसने तैयारी की उसके लिए बढ़िया, मतलब जिसने पढ़ाई होगी प्रैक्टिस किया होगा, जिसने प्रैक्टिस किया था अच्छा पेपर था, मॉडर्न पेपर। अच्छा जिनके आगे एग्जाम लगे वो किस किस पे फोकस कर लेते हैं? वो सर हाँ संस्कृत पे वो ज्यादातर पैराग्राफ तो आते आते हैं, प्रत्यक्ष क्वेश्चन हाँ प्रत्यय से भी थे और पैराग्राफ के अंदर जो क्वेश्चन पुट होता है उसमें भी मतलब ये संधि आती है जो किससे मिलकर बना है, संधि विशेषण भी थे क्वेश्चन में, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आ रहा है? मैथ्स में भी बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स ज्यादा हार्ड नहीं आ रही मैथ्स हाँ पैडोलॉजी तो आई वगैरह बता रहे पैडोलॉजी तो सही है। और मैथ में कुछ चैप्टर किस चैप्टर से क्वेश्चन जैसे पूछा गया कुछ याद? हाँ सर संख्याओं वाले चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए एवरेज का भी क्वेश्चन आ रहा है और एक वो लकीरों वाला क्वेश्चन आता है उसमें डिफरेंस पूछा जाता है, वो क्वेश्चन था? नहीं सर वो तो नहीं था लेकिन बट ट्रायंगल वाला था, मतलब कितने फेज होंगे इस पर, ऐसा क्वेश्चन था। सीडीपी में न्यू क्वेश्चन सर कोहल वर्ग हो गया और ये आपका स्कैनर वगैरह इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं आप? मैं सर समथिंग 110 प्लस। क्या नाम है? संदीप कुमार। देखने पूछ रहे यदि पेपर ओवरऑल पूछा जाए तो जो सीडीपी है हिंदी है मैथ्स है इजी आ रहे हैं, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनकी पेडोलॉजी बेस्ट परफेक्ट है वो क्वेश्चन आपने आप अप्रोच से क्वेश्चन करें। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलती कर रहे हैं। और यदि आप क्रेकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में यदि आप यूपी टेट सी टेट सुपर टेट केवीएस और अदर टीचिंग एग्जाम के लेके नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद।